नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स में अंगारा के इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अंगारा और भूतों का राजा। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। जिसके पास लोमड़ी का दिमाग हो, गीत की आंखें हो, हाथियों का बल हो, शेर का दिल हो, गैंडे की खाल हो, गोरिल्ले का मजबूत शरीर हो, वो अंगारा के नाम से जाना जाता है। अंगारा का एक द्वीप है जहाँ जानवरों का राज्य है, उनके नियम कानून है, और अंगारा पृथ्वी के सभी जानवरों की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाता ही रहता है। जटायु नामक विशाल गरुड़ अंगारा का आकाश वाहन है और समुद्र की रानी वेल समुद्री वाहन। अंगारा चूंकि सभी शस्त्र चलाना जानता है और युद्ध कलाओं का महाबली है, इसलिए उसे कमांडो अंगारा भी कहा जाता है। अंगारा द्वीप की राज्यसभा में चुमारी, इस वर्ष की सफलताएं क्या रही, आज राज्यसभा में इसकी चर्चा होगी। इस वर्ष भी सारे विश्व में अंगारा द्वीप का ही डंका बजता रहा। पृथ्वी पर जहां मनुष्य में बैर पनपा, वहीं जानवरों का संगठन मजबूत होता गया। आज पूरे विश्व के जानवर आपको देवता मानते हैं, आपका गुणगान करते हैं। आपने बुलडॉग का खात्मा किया, कमांडो ड्रैगन को भी नष्ट कर डाला, बलारा की राजकुमारी ने आपके प्रेम का दीप जलाया। ये वर्ष आपके सबसे प्रबल दुश्मन चार्ली के लिए तो बड़ा ही अशुभ रहा, उसे आपने खूब दौड़ाया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चार्ली अंगारा का प्रमुख शत्रु है। चार्ली एक मशीनी मानव है, उसका निर्माण प्रिंस टुम्बा ने किया था और अंगारा ने जादूगर टुम्बा को मार गिराया। बेचारा चार्ली अनाथ हो गया। उसने कसम खाई कि अंगारा से टुम्बा की मौत का बदला लेगा, और वो अब भी प्रिंस टुम्बा की खोपड़ी लिए भटक रहा है। मेरी सबसे बड़ी कमी ये है कि मैं सूरज की रोशनी के बिना अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकता, इसलिए रात होते ही मैं चूहे की तरह दुबक जाता हूं। जब तक मैं अंधेरे में भी शक्ति प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक अंगारा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तब तक के लिए कहीं छिप जाता हूं। कोई ऐसी जगह तलाश करनी होगी जहां ना तो आकाश से जटायु पहुंच सके, ना सागर से वेल, और उनके बिना तो अंगारा कहीं आता जाता नहीं। तभी भागो, गैस निकल रही है, भागो। वो दूर पहाड़ पर धुआं कैसा उठ रहा है, देखता हूं माजरा क्या है। अरे भाग, मैं क्यों भागूं, वो पहाड़ भूतों का राजा है, वो फिर गैस उगल रहा है, भागो। गैस से क्या होगा, अब यहां 100 किलोमीटर तक हर जीवित मर जाएगा, और ये गैस 1 साल तक असर करेगी। 100 किलोमीटर दूर तक बस्तियां खाली कर देनी पड़ेंगी। क्या जानवर भी मर जाएंगे? हाँ, अबे बौने भाग जा, नहीं तो तू भी मर जाएगा। चार्ली को बौना कहने वालों पर तोहमत आ जाती है। मुझे बौना कहता है, मैं तुझे उसी पहाड़ पर फेंक कर आता हूं। तूने मुझे बौना कहा था ना? हाँ कहा था। सच को सच कहने से क्या डरना? तेरी तो मैं तुझे इस गार में डाल देता हूं जिससे गैस निकल रही है। ए? अब मुझे भी इसी गार में अपना ठिकाना बना लेना चाहिए। जुम है, इस गार में ये कौन है जिसके चेहरे से प्रकाश फूट रहा है? अरे मूर्ख, तूने अपनी शक्ति के घमंड में एक ऐसे आदमी को मार दिया जो सच बोल रहा था। किंतु मेरे इस गार के अंदर मेरी इच्छा के बिना ना तो किसी की मृत्यु हो सकती है, ना ही किसी की शक्ति कार्य कर सकती है। तूने इसे मार दिया, देख मैं इसे जीवित करता हूं। है, ये तो सचमुच जिंदा हो गया। जा, इसे उसी स्थान पर छोड़कर आ जहां से उठाकर लाया था, वरना मैं तेरी सारी शक्ति छीन लूंगा। मेरी शक्ति तो
सूर्य के अतिरिक्त कोई भी नहीं छीन सकता बाबा। अच्छा, तुझे अपनी शक्ति पर इतना ही घमंड है? तो जिस तरह तूने इस मनुष्य को उठा लिया, वैसे मुझे उठाकर दिखा। ये भी कोई बात हुई, अभी उठाता हूं। अरे बाप रे, ये तो मुझसे उठ ही नहीं रहा, टूट गया घमंड। हाँ बाबा, टूट गया मेरा घमंड। तो इसे जहरीली गैस की सीमा से बाहर पहुंचा दे, और इस सत्यवादी को तूने फिर कोई हानि पहुंचाई तो तू भस्म हो जाएगा। अभी लो बाबा। और चारनी ने उस जंगली के हाथ पकड़कर गुफा से बाहर की ओर उड़ान भर दिया। सच को सच बोलने वाले, क्या तू अभी भी मुझे बौना कहेगा? हाँ कहूंगा, 1000 बार बौना कहूंगा। जब तू है ही बौना, तो क्यों ना कहूं बौना तेरी। तो ओह बाबा की चेतावनी, तू पहला आदमी है जो मुझे बौना बौना कह रहा है, और मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा हूं। अब दफा हो जा यहां से, अब मुझे फिर से गार में पहुंचना चाहिए। जय हो बाबा की। हे बाबा, मेरा नाम चार्ली है, मैं आपका चेला बनना चाहता हूं। मैं तुझे चार्ली नहीं, बौना कहूंगा। बौना कहा तो बोल, क्या तुझे बौना नाम पसंद है? हाँ, पसंद है, 1000 बार पसंद है। इस गार में रहना है तो इस बाबा की बात माननी पड़ेगी। ये बाबा अंगारा पर मात कर सकता है और प्रिंस टुम्बा को भी जिंदा कर सकता है। आपका शुभ नाम क्या है बाबा? इस पहाड़ को भूखसा पहाड़ कहा जाता है, यह हमारे नाम से ही विख्यात है। हमें जब भी भूख लगती है तो पहाड़ से गैस निकलने लगता है, ताकि लोग अपनी जान की सलामती के लिए पहले ही भाग जाए। 100 साल बाद हम एक बार आग खाते हैं, उस समय 100 कोस तक आग फैल जाती है, यह गैस उसी का संकेत होता है। बोक्सा बाबा, क्या आप मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं? क्या अभी उस सत्यवादी को जिंदा होते नहीं देखा? जय हो बोक्सा बाबा की। बाबा मैं एक दुखी आत्मा हूं, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। दूर रह बौने, मुझे छू मत, मेरे दर्शन मात्र से ही 10 साल की उम्र बढ़ जाती है। तेरी उम्र भी 10 साल बढ़ गई, अब भाग जा यहां से। मैं इसे नहीं जाने वाला बाबा, चाहे मुझे कई जन्मों तक तपस्या क्यों ना करनी पड़े, मैं भी यहाँ 10,000 वर्ष तक तपस्या करूंगा, आग खाकर भस्म करने की शक्ति प्राप्त करूंगा। तू बड़ा हठी बालक है बौने, देख अभी तुझे मैं अपना विकराल रूप दिखाता हूँ, तू उसे देखते ही भाग जाएगा। देख मेरा विकराल रूप देख। मैं चलते फिरते चलते कल कंकालों से डरने वाला बालक नहीं हूं बाबा। तो फिर देख मेरा यह दूसरा रूप, ये भी नहीं चलने वाला, शेरों को और मेरा तो चोली दामन का साथ है। फिर ये कैसा रहेगा? ये बाबा तो कमाल की तोप है, कोई भी रूप बदल सकता है। बाबा अब तो मैं तपस्या करके ही रहूंगा, चाहे जितना डरा लो। बड़ा हड्डी बालक है, बोक्सा से डरता ही नहीं। ठीक है बौने, बोल क्या चाहता है तू? अंगारा मेरा शत्रु है, उसे मेरा गुलाम बना दो। बाबा बोक्सा, वो तो आपसे भी ताकतवर है, तेरी मुराद पूरी होगी बौने। दूसरे दिन बोक्सा अंगारा द्वीप पर प्रकट हुआ। तो ये है अंगारा द्वीप, जिसका जिक्र वो बौना चार्ली करता था। उसका मानना है कि मुझसे अधिक शक्तिशाली इंसान इस द्वीप में रहता है। चार्ली ने कहा था कि यहाँ जानवर ही जानवर रहते हैं, तो मैं भी जानवर बन जाता हूँ। बोक्सा शेर बन गया, देखते हैं वहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। बहुत दिनों से मैंने अंगारा द्वीप का भ्रमण नहीं किया, ए गजराज मुझे पूरे द्वीप की सैर कराओ। चलिए स्वामी। अंगारा देवता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर देश के प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि वो जनता के बीच जाकर उनके सुख दुख जाने। मैं इसी कर्तव्य का पालन करने आया हूँ।
ए मेरी प्रिय जनता, तुम्हें कोई कष्ट हो तो हमें बताओ। हमें कोई कष्ट नहीं, हमें कोई कष्ट नहीं, हमें कोई कष्ट नहीं, हमें कोई कष्ट नहीं। तब बोक्सा से रहा ना गया, किंतु मुझे कष्ट है। बोलो तुम्हें क्या कष्ट है? आदिकाल से सृष्टि में वन्य प्राणियों का राजा शेर कहलाता रहा है, परंतु आश्चर्य है कि जानवरों के इस देश में शेर राजा नहीं कहलाता, जबकि शेर सबसे ताकतवर, सबसे कुशल प्रशासक और सबसे बुद्धिमान होता है। फिर अंगारा द्वीप में शेरों के साथ नाइंसाफी क्यों? तुम्हारा तर्क सार्थक है सिंह, परंतु अंगारा देश में राजा वाली प्रथा नहीं है। यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं। अगर लोकतंत्र है तो चुनाव क्यों नहीं होते? ये शेर तो सचमुच बुद्धिमान है, इसे अब तक मंत्रिमंडल में क्यों नहीं लिया गया? बोलो ग्रेट अंगारा, जब से अंगारा देश बना क्या कोई चुनाव हुआ? और चुनाव नहीं हुआ तो ये तानाशाही वाली सरकार हुई। इस प्रश्न का उत्तर हम राज्यसभा में देंगे, तुम अगली सभा में आकर ये सब बताओ मित्र। बोक्सा वहां से निकल गया। अब मैं ऐसी चाले चलूंगा बच्चू कि देखते देखते सारे अंगारा द्वीप में मेरा डंका बजने लगेगा। बोक्सा अंगारा द्वीप के शेर चीतू को भड़काने में लग गया। पृथ्वी के मनुष्य ने हमेशा जानवरों पर अत्याचार किया, उन्हें अपना गुलाम बनाया। अरे यहाँ आजादी कहाँ है? यहाँ भी तुम सब अंगारा के गुलाम हो, और अंगारा भी मनुष्य है। नहीं, अंगारा मनुष्य नहीं, देवता है। उसके दिमाग में लोमड़ी है, आंखें गीत की है, बल हाथी का है। और बकवास, ये तुम्हें बहकाया गया है। मनुष्य और जानवर के बीच एक ही पहचान होती है, मनुष्य दो पैरों पर चलता है जबकि जानवर चौपाया होता है। लेकिन पक्षी और रेंगने वाले प्राणी तो चौपाए नहीं होते। पक्षियों के पास दो टांगों के साथ साथ दो पंख भी होते हैं, और रेंगने वाले के तो हाथ पैर होते ही नहीं। अरे तुम्हारे इस बहादुरों के देश में एक बानर राष्ट्रपति बना बैठा है। अगर चुनाव हुए और मैं जीता तो मैं तुम सबको बराबर का हक दूंगा। ये खबर अंगारा तक पहुंची गई। इसका मतलब यहाँ के जानवरों में चेतना जागृत होती जा रही है। ये चमत्कार कैसे हो रहा है? हमने तो कभी चुनाव प्रक्रिया के बारे में सोचा ही नहीं। चलकर राष्ट्रपति से पूछा जाए। नहीं, चुनाव तो तब होने चाहिए जब राज्यसभा से कोई बहुत बड़ी गलती हो या वो नकारा हो जाए। आगामी राज्यसभा का दिन भी आ गया। दोस्तों आज यहाँ एक महत्वपूर्ण वार्ता होने जा रही है। बोलो मित्र, अपनी बात राज्यसभा में कहो। मेरा नाम बोक्सा है, मैंने ग्रेट अंगारा से ये मांग की थी कि अंगारा द्वीप में लोकतंत्र बहाल करना है तो चुनाव होने चाहिए, ताकि नई प्रतिभाओं को देश की बागडोर संभालने का अवसर मिल सके। किंतु हमारे देश की राज्यसभा ठीक काम कर रही है, किसी को शिकायत नहीं। लेकिन मुझे शिकायत है, मैं भी तो प्रधानमंत्री बन सकता हूं, मुझ में क्या कमी है? कानून तोड़ता है ये बोक्सा, इसे मृत्यु दंड दो। अंगारा देवता नहीं तो हम भी नहीं, ये बगावत है। तुम में से एक भी ऐसा नहीं जो मुझे मृत्यु दंड दे सके। सच तो सच है और जीत सच की ही होती है। ये अंगारा देश का गद्दार है, हमें नहीं चाहिए दूसरा प्रधानमंत्री। गिरफ्तार कर लो इसे। ठहरो, बोक्सा को अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं ये चाहता हूं कि अंगारा द्वीप की भी विधि विधान हो और उसी के अनुरूप राज्यसभा का चुनाव हो। ठीक है, हम विधि विशेषज्ञों से सुझाव लेकर संविधान का निर्माण करेंगे, किंतु ये सरकार असंवैधानिक है, इसलिए इसे तुरंत भंग करके कार्यवाहक सरकार बनाई जाए। जब तक संविधान नहीं बनता, कार्यवाहक सरकार काम करेगी, परंतु काम चलाओ सरकार भी अंगारा द्वीप के बंदिशों की आम सहमति से बनानी चाहिए, और इसी सरकार की देखरेख में विधि विशेषज्ञ संविधान का निर्माण करेंगे।
इस विषय पर अंतिम निर्णय के लिए अंगारा देश की समस्त जातियों के प्रतिनिधि बुलाकर आम सभा का आयोजन किया जाए। जो ये सब प्रतिनिधि कहेंगे वही राज्यसभा को मान्य होगा। क्यों बोक्सा, अब तो तुम्हें कोई शिकायत नहीं? उचित है प्रतिनिधि सभा बुलाकर उनकी ही सहमति से कार्यवाहक राज्यसभा चुन ली जाएगी। राज्यसभा समाप्त होने के बाद आप उसकी बातों में आ गए, उसका दिमाग फिर गया है, ऐसे को कारागार में डाल देना चाहिए। सजुकी इतनी सुलझी हुई बात करने वाला पहली बार अंगारा द्वीप में दिखाई पड़ा। ये बुद्धिमानी की बात नहीं, सिरफिरों का काम है। मुझे कुछ और ही साजिश लगती है। तुम बोक्सा पर आज ही जासूस को तैनात कर दो, कहीं ये अंगारा देश में बगावत का शंखनाद तो नहीं फूक रहा। सजुकी के जाने के बाद ये भी हो सकता है कि बहुत से अंगारावासी के मन में यही विचार पनप रहा हो और वो चुप रहते हो। इसके बावजूद भी हमें अगर जनादेश प्राप्त करना पड़ा तो वो भी करेंगे। बोक्सा एक गुफा में छिपा था, रात के समय अपने रूप में आ गया। अब जरा ये देख लूं कि प्रतिनिधि सभा में अंगारा को कैसे चित किया जाए। मुझे सबसे पहले यहाँ बोक्सा का बोलबाला बनाना है। मेरे नाम से ही बोक्सारी मंत्र का जाप होता है, जिसे इंसान कोई भी जानवर बन सकता है, पर अभी मैं कंकाल बनकर उत्पात मचाऊंगा। उधर भालुओं की बिरादरी में, मुंगे तो हमारी बिरादरी का प्रधान है, तू क्या चाहता है? जो तुम सब की राय होगी वही तो राज्यसभा में कहूंगा। तभी मैं एक भालू खाऊंगा। हैं? पकड़ लो इसे, कहां से आ गया? कौन पकड़ेगा मुझे? मैं भूतों का राजा हूं, यहां अब मेरा राज होगा, सबको मेरा हुक्म मानना होगा, समझे? बाप रे, मर गए, भागो। दूसरी जगह चीता बिरादरी जमा थी। सुगा, चीता हमारा प्रतिनिधि है, हम सब अंगारा देवता के पुजारी हैं। क्यों सुंगा, तुम ठीक कहते हो, बोक्सा हम सब में फूट डालना चाहता है। तभी मैं हूं भूतों का राजा, जो मैं कहूं वो तुम सबको मानना ही पड़ेगा। इसी तरह बोक्सा बाकी जानवरों को भी डराता गया। बाप रे, भागो। अगले दिन अंगारा द्वीप में भूतों के राजा का आतंक फैला हुआ है। वो एक कंकाल है, सारी प्रजा में त्राही त्राही मच गई है। जैसे ही भूतों का राजा दिखाई दे हमें खबर कर दो, हम उसे इसकी सजा जरूर देंगे। उसी शाम को मैंने भूतों का राजा देखा। जासूस अबू, बता कहां है वो? पूरब में हाथियों को उठा उठाकर पटक रहा है। कॉमन जटायु, चलो आबू के बताए रास्ते पर चलो, जो आज्ञा स्वामी। और अंगारा जटायु के साथ आबू के रास्ते पर चल पड़ा। वो रहा, सारे हाथी एक टांग पर खड़े रहो वरना सबकी खाल उतार दूंगा। अंगारा देवता आ गया, घेर लो, अब पकड़ो इस भूतों के राजा को, भागने ना पाए। हैं? और अंगारा आते ही बोक्सा पर टूट पड़ा। तेरी तो, तुझे तो मैं जमीन में गाड़ दूंगा, ठक। और बोक्सा ने अंगारा को जमीन में गाड़ दिया। तेरे चारों तरफ अब मैं अपनी शक्ति रेखा खींच देता हूं, जिसे कोई नहीं काट सकता। तभी जटायु बोक्सा पर झपटा। मैं तुझे भी गाड़ देता हूं, मैं तुझे ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि सारे भूत अंगारा के नाम से कांपेंगे। इस पर आग का प्रकोप दिखाना चाहिए, ये तो बड़ा भयानक पक्षी है, आग लगा देगा, मेरे पास इसका भी इलाज है। वेल रानी, इसने देवता अंगारा का अपमान किया है, इसे कच्चा चबा जा। और जटायु ने बोक्सा को सीधे वेल रानी के जबड़े में छोड़ दिया। क्या हुआ जटायु, वो कहाँ गया? मैंने उसका बिस्तर बांध दिया, वो वेल रानी के जबड़े में है। चलो अब जमीन खोदकर मुझे यहां से बाहर निकालो। ओह,
जमीन के इस घेरे में तो कोई नहीं जा पा रहा है और इस जगह पर जमीन की खुदाई भी नहीं हो पा रही है। जमीन पत्थर जैसी बन गई है। अंगारा देवता जमीन में कैद हो गए। किसी जादू टोने वाले को बुलाओ, कुछ तो करो। भूतों का राजा जादू कर गया, अब हमें इस संकट की घड़ी से कौन बचाएगा। ऐसी मुसीबत अंगारा द्वीप पर पहले कभी नहीं आई थी। अंगारा अपनी ही धरती में कैदी बन गया, अब क्या होगा। जानने के लिए पढ़े अंगारा की दूसरी कॉमिक्स, जिसका नाम है अंगारा और बोक्सा की टक्कर। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।